दोनों बाप बेटे लगे हैं, पूरा फिनाइल से क्लीन कर लिया, पूरा घर दा सैनिटाइज हो गया है ना। अंदर का भी हो गया? हाँ, अंदर का तो मैंने सुबह कितने बार किया, फिर भी आपने किया दोबारा। माही हाँ, उसके हाथ में भी दो, उसके हाथ में दो ना। अद्वी इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाओ कैसे कर रहे हो, पूरा क्लीन दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हाँ हाँ, जो पापा करते हैं उसकी कॉपी। ये कोरोना, कोरोना के लिए करना पड़ रहा है ये। गुड, पापा कर लिया। अरे बाप रे, वेरी गुड बॉय। मम्मा करके दिखाओ। अरे बाप रे, हाँ हाँ, पापा की हेल्प कर रहा है आद्विक तो। यहाँ पर काम चल रहा है, और काम मतलब हो ही गया है, अभी सारी क्लीनिंग कर ली है। इसके पापा ने, मैंने सुबह 3-4 बार पोछा मारा था, फिर भी इन्होंने ड्यूटी से आने के बाद जो फिनाइल लाया था वो थोड़ा सा बोल रहे थे पावरफुल फिनाइल है, पावरफुल फिनाइल है, इसी वजह से उससे पोछा किया है। और मैंने डिटॉल डाल डाल के 4 बार पोछा किया था सुबह, 4 बार मतलब क्लीन हो ही नहीं रहा था, क्लीन हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैं दोबारा धो रही थी पोछा, और कर रही थी, दोबारा धो रही थी, कर रही थी, ऐसे करके मेरा 4 बार पोछा हो गया। फिर उसके बाद अब ये आने के बाद पूरा इन्होंने वॉल कंपाउंड धो दिया एक बार, और घर पे भी पोछा मारा है। तो ऐसे करके हम लोग क्लीन कर रहे हैं सारा घर, और अभी क्लीन तो हो गया है। और हाँ, मेरी भी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो कब से मतलब 2-3 व्लॉग में कमेंट किए जा रही है कि उनको ये देखना है। जब से मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया था मतलब उस व्लॉग में, यहाँ पर बैठ के वो क्या बोलते हैं, हाँ, शू पहन रहे थे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला टायर का जो बनाया हुआ है मेरे यहाँ पे, ये 2 है ऐसे बनाए हुए, हम लोगों ने बनवा के लिया है ये। एक्चुअली पिछली बार भी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने दिखाया था उस टाइम भी, बट उनको अभी देखना है तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पोर्च में रखे हैं, पहले ये बाहर रखे थे हम लोगों ने, वहाँ पे जहाँ पर मेरी गाड़ी रहती है वहाँ पर रखे थे, बट वहाँ पर यूज़ नहीं होते थे, इसी वजह से हम लोगों ने फिर यहाँ पर पोर्च में रख दिए। और ये छोटा सा स्टूल है, कॉफ़ी टेबल टाइप का, मतलब हम लोग टी वगैरह लेते हैं ना यहाँ पे, तो उस पर रखते हैं, कॉफी वगैरह लेते हैं तो उस पर रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो टायर का बनाया है, 2 टायर है ये एक दूसरे से जोड़े हैं, और मतलब ये बनवा के लिया है हमने, खुद ने नहीं बनाया है, तो इस वजह से वो नट बोल्ट से थोड़ा सा फिट किए हैं। और नीचे ना इसके वो है क्या बोलते हैं, पैर है, अगर आपको दिख रहे होंगे नीचे से पैर है स्टील वाले, तो इस तरह से ये टायर के बनाए हैं। और इसके ऊपर ना ये इस तरह से ये रखा है, प्लाईवुड रखा है, तो इसके अंदर हम लोग फुटवेयर रखते हैं, और इसके ऊपर ये कुशन रहती है बैठने के लिए, 2-in-1 यूज़ होता है उसका। गोल्डन और ब्लू कलर में रखा है ये, और ये रेड और येलो कलर में रखा है, तो दिखने में अच्छा दिखता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको घर पे बनाना है तो आप घर पे बना सकते हो, बट हमारे यहाँ पे कारपेंटर आए थे तो हम लोगों ने उनसे बनवा के लिया था ये, क्योंकि हमारे पास ये जो पैर है नीचे के जो स्टील के पैर है वो रखे थे, और टायर भी रखे थे, इसी वजह से उन्होंने हमें बना के दिया था ये। और पेंट जो है इन्होंने किया है, और वो जो ऊपर की लकड़ी है इन्होंने बनवा के लाई है, मतलब उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करना, तो इन्होंने किया है वो, तो वैसे करके ये बनवाया है हमने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे बनाया है, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो या बनवा भी सकते हो। अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं कर रही हूँ रश्मि का वेट वर्कआउट के लिए। एक्चुअली वो 5-5:30 बजे आ जाती है डेली, तो इसी वजह से मैं इस टाइम उसका ही वेट करती रहती हूँ, वो आ जाती है फिर मेरा वर्कआउट लेती है, मतलब वो भी वर्कआउट करती है मेरे साथ और मेरा भी वर्कआउट लेती है, तो अच्छे से वर्कआउट हो रहा है आजकल। और सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ तो वो है ब्राउन ब्रेड को, आजकल ब्राउन ब्रेड ही नहीं मिल रहा यार हमारे यहाँ पे। मैं इतने दिनों से ब्राउन ब्रेड खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, जब होते हैं ना उस टाइम ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, और जब नहीं होते ना तो उस टाइम याद आती है खाने की, तो इसी वजह से मुझे ना अभी ब्राउन ब्रेड और बटर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं बटर और ब्राउन ब्रेड खाती हूँ आप लोगों को पता है, तो कितने दिनों से खाया नहीं है, क्योंकि मैं डेली इनको बता रही हूँ कि मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लाना, और डेली ये बोल रहा है कि
ब्राउन ब्रेड मिल नहीं रहा है। तो अभी के यहाँ पे ब्राउन ब्रेड वगैरह या ब्रेड वगैरह नहीं मिल रहा है क्या, मुझे जरूर बताना कमेंट करके, या हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऐसी चीजें नहीं मिल रही होगी बेकरी आइटम, क्योंकि बेकरी वगैरह ओपन रहती है तो वो बनाते हैं तो खराब हो जाता है, ऐसी चीज़ें खराब हो जाती है जल्दी ही और बेची नहीं जाती है, तो इसी वजह से वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो बुरसी वगैरह लग जाती है, तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं बनाते होंगे वो। तो कोई बात नहीं, अभी पता नहीं कितने दिन नहीं मिलेगा। रश्मि आ गई है और हम लोग जाने वाले हैं अभी वर्कआउट करने, तो आपको जिम रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों में से किसी ने, मतलब किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है जिम रूम दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आपको पहले जिम रूम दिखाती हूँ फिर उसके बाद हम लोग गैलरी में वर्कआउट करेंगे। सो गाइस जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से दिखता है जिम रूम। कुछ इतना कुछ खास नहीं है बट फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की है और बच्चे, मैं आती हूँ तो बच्चे भी खेलते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर टेडी बियर वगैरह रखे हैं। ये है मेरी योगा मैट और यहाँ पर रखा है, मतलब कुछ डंबल्स रखे हैं, ये यूज़ करते हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर ये है साइकिल, यहाँ पर रखी है वेइंग मशीन, ये है टमी टकर और ये रखी है यहाँ पर ट्रेडमिल। ट्रेडमिल ये 4-in-1 है एक्चुअली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आप ये ओपन करते हो तो ये है ट्विस्टर, और मतलब यहाँ पर इस पर, एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, इस पर खड़े रह के ये आप, ये ट्विस्ट होता है, तो ये साइड फैट के लिए बहुत अच्छा होता है ट्विस्टर। और ये है ट्रेडमिल, ये मैनुअल ट्रेडमिल है एक्चुअली। अगर आप इसकी कंपनी का नाम पूछोगे तो ये है लाइफलाइन कंपनी से, मतलब लाइफलाइन ब्रांड है इसका, और इसका भी लाइफलाइन है ये साइकिल। तो ये है ट्रेडमिल और साइकिल, सॉरी ये 3-in-1 है, तो यहाँ पर ये क्रॉस ट्रेनर टाइप का है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, पैर ऊपर नीचे होते हैं इससे। ये है यहाँ पर कुछ टेडी बेयर रखे हैं, यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट की है, और यहाँ पर ये गिटार है जो श्रीकान बजाता है, श्रीकान का गिटार है ये। तो कुछ इस तरह से मेरा जिम रूम है, छोटा सा जिम रूम है बट जो भी चीज़ें इसमें रखी है थोड़ा सा काम आ जाती है घर पे वर्कआउट करने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा ये जिम रूम, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अभी मैं वर्कआउट करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.
है डिनर, और डिनर में आज बनने वाली है मिक्स दाल, क्योंकि इन्होंने डिमांड की है मिक्स दाल के लिए। काफी दिन हो गए हम लोगों ने मिक्स दाल नहीं खाई थी, तो आज सोच रही हूँ मिक्स दाल बनाऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, मुझे तो याद भी नहीं है पिछली बार कब मिक्स दाल बनाई थी। तो आज बनाते हैं मिक्स दाल, और क्योंकि सब्जी के लिए भी कुछ नहीं है, फ्रिज में भी कुछ भी नहीं है अभी, और लाना पड़ेगा, कल लेके आना आप। हाँ पता नहीं ये कहाँ गया, तो कल इनको बोल दूंगी मैं लाने के लिए। तो इनका कैसा हो रहा है कि ड्यूटी की वजह से सुबह जा रहा है, तो उस टाइम तो वो ले नहीं रहे हैं, और वहां से आने के टाइम फिर बंद हो जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सब्जियों का हमारे यहाँ पे, तो ऐसे करके हो रहा है। तो आज सब्जी बिल्कुल नहीं है बनाने के लिए, आलू वगैरह है तो वो मुझे बनाना नहीं है, तो इस वजह से ये बोल रहे थे कि मिक्स दाल बनाओ। तो चलिए फिर मिक्स दाल बनाते हैं, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि 5 साल की बेटी है, और उनकी 5 साल की बेटी के लिए मैं हाइट बढ़ाने के लिए कुछ बताओ। डियर इतना तो कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया नहीं है, मतलब माही की हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की हाइट बढ़ाने के लिए। बट ये जानती हूँ कि मम्मी पापा की अगर हाइट ज्यादा है तो बच्चों की भी हाइट ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है, मतलब अनुवांशिकता बोलते हैं उसे। तो मम्मी पापा की हाइट जैसे मेरी और इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, मेरी हाइट 5'7" है और इनकी हाइट 5'9" है, 5'9" से थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो इसी वजह से हम लोगों के बच्चों की हाइट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा होता है कि मम्मी पापा पर जाते हैं बच्चे, अगर मम्मी पापा की हाइट कम होती है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है, ऐसे सुना है मैंने भी। आप हाइट बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हो, एक अश्वगंधा करके पाउडर आता है, आपने सुना होगा अश्वगंधा, तो वो आप लीजिए, मतलब वो आप अपने बच्चों को दूध में या पानी में मिला के दे दीजिए, तो उससे भी हाइट बढ़ती है, ये मैंने सुना है एक्चुअली। और एक और बात है, अगर आप स्किपिंग करने लगाते हो बच्चों को, उससे भी हाइट बढ़ती है, थोड़ा सा जंपिंग करते हैं उससे भी हाइट बढ़ती है, अगर किसी चीज को लटकते हैं बच्चे तो उससे भी हाइट बढ़ती है। तो ये सारी चीजें कीजिए, कुछ दिनों के बाद मिलेगा, बट रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। मुझे भी इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट जो भी पता था वो मैंने आपसे शेयर किया, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थोड़ा सा तेल ऐड किया है मैंने कढ़ाई में, और तेल को गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा और राई ऐड करूँगी उसमें, और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा जो लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने बना के रखा था उसमें से ही थोड़ा सा बचा था उसमें पॉट में, तो वही मैं डाल दूँगी, और उसके बाद उसे अच्छे से हमें चला लेना है और अच्छे से उसे भून लेना है, ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। और ये अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हमें प्याज ऐड करना है, प्याज को मैंने पहले ही बारीक चॉप करके रख दिया था, और प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है आपको। और प्याज अच्छे से भून जाने के बाद आपको उसमें मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है टोमेटो, और टोमेटो जल्दी गल जाए उसके लिए हमें उसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने से क्या होता है, उससे क्या होता है कि टोमेटो जल्दी गलता है और उसको गलने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा पहले ही नमक ऐड कर दीजिए, बाद में लगे तो आप ऊपर से नमक ऐड कर डालने के बाद। और वहाँ पर मेरी सीटियाँ भी हो रही थी कुकर में, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है उसमें, और इसके बाद ढक के रख दूँगी अच्छे से, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा उसमें आ जाए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर दाल भी पक चुकी थी, तो मैंने दाल अच्छे से मिक्स कर ली है। और हाँ, मैंने दाल कौन कौन सी डाली थी वो मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोला मसाला ऐड किया है, ताकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आए उसकी, और थोड़ा सा एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड किया है, गरम मसाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है। और छोला मसाला आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, क्योंकि अच्छी टेस्ट आती है उससे भी।
और उसके बाद मैंने इसमें कौन कौन सी दालें ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालें ऐड कर सकते हो उसमें। मैंने ऐड की है मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल ऐड की है, थोड़ी सी चने की दाल थी, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड की थी अरहर की दाल। तो ये सारी 4-5 दालें ऐड की थी, और उसके बाद उसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ ऊपर से, ताकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब घी ऐड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। गाइस डिनर तो हो चुका है, और दाल मखनी मतलब जो मिक्स दाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे, एक्चुअली जो मुझे बात करनी है वो सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, कल जो मोदी जी ने कहा है मतलब 3 तारीख को, कि आने वाले संडे को, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन ये संडे को वीडियो जाएगा, आज की तारीख है 4, और 5 तारीख को ये वीडियो जाएगा संडे के दिन। संडे के दिन हमें एक साथ मिलकर क्या करना है कि हमारे घर की लाइट्स ऑफ करनी है, घर की लाइट्स ऑफ करनी है हमें, और हमें हमारे दरवाजे में जाके या बालकनी में जाके दिए जलाने हैं, या मोमबत्ती जलानी है, या अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है वो जलाना है। तो इससे क्या होगा कि जो हीट पैदा होगी उससे हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से मोदी जी ने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए, जो भी भारतीयवासी है हम लोगों को ये सब मिलके करना चाहिए, हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो वो हमारे साथ शेयर किया है, और हमें ये करना ही चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने तालियां बजाने के लिए बोला था बालकनी में आके, तो बहुत लोगों ने वैसे किया है, मतलब फॉलो किया था उन्हें, और कुछ लोग ऐसे थे कि बाहर निकल आए थे रैली लेके, तो इस तरह से नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है आपको कि आपके घर के बाहर मतलब दरवाजे के बाहर नहीं निकलना है आपको, सिर्फ आपके घर के दरवाजे में या आपके गैलरी में आके आपको सिर्फ दिया जलाना है, या मोमबत्ती जलानी है, या आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना है। इतना अगर आप कर लोगे ना तो हम लोग सारे भारतीयवासी मिलके कोरोना से सामना कर सकते हैं, मतलब कोरोना से लड़ सकते हैं। वैसे भी हम लोग साथ मिलके लड़ रहे हैं कोरोना से, ये जो मोदी जी ने कहा है, तो ये अगर आप फॉलो करोगे इसे, मतलब आप अगर साथ मिलके हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए ही। तो इतना ध्यान रखिए कि प्लीज बाहर मत निकलिए, घर के बाहर मत निकलिए, घर के दरवाजे में या आपके बालकनी में जाके ही कैंडल या सारी चीजें लगाइए और सपोर्ट कीजिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे संडे के दिन, तो उसी दिन आपको रात को 9 बजे दिया, फ्लैश लाइट और कैंडल जलानी है। तो ये सारी चीज़ें जब जलाओगे आप, तो इससे हीट पैदा होगी और इससे आप कोरोना से लड़ सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि हीट में कोरोना नहीं रहता है, अगर सभी मिलके हम लोग ये करेंगे तो कोरोना से हम लोग बच सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। तो प्लीज़ ये कीजिए, बाहर मत निकलेगा, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। ये ध्यान रखिएगा 9 बजे से 9 मिनट के लिए आपको ये चलाना है, आई होप आप समझोगे। चलिए फिर गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।